हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे बीसीएससी काउंसलिंग के मॉपअप राउंड के बारे में, मॉपअप राउंड होगा कि नहीं होगा। तो आज की वीडियो हमारा उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो विद्यार्थी बीसीएससी एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई किए हैं और वो नियर अबाउट सलेक्शन के आसपास हैं। उनके नंबर थोड़ी बहुत कमी हैं जहाँ पर बच्चों का सलेक्शन हुआ है जितने नंबर तक। तो जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, अब उनका कई सवाल ये है कि सर मॉपअप राउंड होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो उसका प्रोसेस क्या होगा। देखिए, मैं आपको क्लियर किए दे रहा हूँ, सीट वैकेंट बहुत कम बची हुई है, क्योंकि सेकेंड राउंड में ऐसे कई स्टूडेंट्स थे जिनको बहुत मतलब मिनिमम सीट मिली है, कहीं पर इक्का दुक्का सीट बची थी, बाकी सीट सारी फिल हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने सीट ले रखी होती है बट वो कोर्स नहीं करना चाहते हैं, वो सीट को छोड़ देते हैं। अगर विद्यार्थी सीट को छोड़ देता है, जब तक कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी एग्जाम अपनी वैकेंट सीट का नोटिस नहीं देता है, तब तक मॉपअप राउंड का नोटिस नहीं आ सकता है। पहली बात यह है, चाहे वो आईसीआर एग्जाम हो या फिर और कोई एग्जाम हो, आप कोई किसी स्टेट की बात कर लीजिएगा, काउंसलिंग के दौरान जब तक सीट वैकेंट नहीं होगी तब तक मॉपअप राउंड का नोटिस नहीं आता है। अब यहाँ पर सीट बहुत कम वैकेंट बची हुई है, तो अब मैं ये देख रहा हूँ, बात करूँ मैं नोटिस के बारे में, तो आज या कल शाम तक जो है, मैं समझता हूँ कि जो है 2 या 3 की डेट में आपके पास सीट वैकेंट का नोटिस आ जाएगा। ठीक है, यानी वैकेंट सीट का नोटिस मिल जाएगा आपको। अगर सीट बचती है बहुत ज़्यादा, तो अगर सपोज किसी एक कॉलेज में 2 सीट है 3 सीट है, तो इसके लिए मॉपअप राउंड होने कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो मॉपअप राउंड नहीं समझते हैं, वो केवल कॉलेज वाला ही चाहते हैं। तो जिसको बुला, जो स्टूडेंट्स वहाँ पर जाना चाहता है कॉलेज के थ्रू, या वो रजिस्ट्रार से उसकी कुछ पैड हो, या फिर वो पैसे देकर उसको काउंसलिंग कराना चाहता हो, एडमिशन लेना चाहता हो, तो वो कॉलेज की जिम्मेदारी बनती है कैसे वो एडमिशन को एक्सेप्ट करता है, वो हम उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर सीट वैकेंट रहती है और नोटिस आता है ऐसा, तब जब सीट बहुत ज़्यादा बच जाती है, ठीक, तो ऐसा तो फिर तो यहाँ पर जो मॉपअप राउंड का नोटिस आएगा और सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर एलिजिबल होंगे, जितने भी जहाँ पर कॉलेज हैं, जितने सीट जिस कोर्स में जितनी वैकेंट है उसके लिए। ठीक, अगर सीट वैकेंट नहीं आती, मान लिया हम बात करते हैं, मान ली सीट वैकेंट है और नोटिस आ गया अगर, ठीक, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो विद्यार्थी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जिन लोगों ने सीट ऑलरेडी एडमिट कर रखी है। जैसे जिन लोगों ने सीट लेकर एडमिशन ले लिया है, ठीक है, किसी भी कॉलेज में, किसी भी कोर्सेज में, तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे मॉपअप राउंड के लिए, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, जो विद्यार्थी अभी तक काउंसलिंग कराई बट एडमिशन उनका नहीं हुआ, या फिर नंबर है उनके, या फिर काउंसलिंग नहीं करा पाए, रजिस्टर नहीं कर पाए, तो वो लोग यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसका कोई भी उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक, रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है चॉइस फिलिंग करेंगे, क्योंकि बाद में चॉइस में इसलिए करेंगे, अब पता नहीं सीट कहाँ पर कितनी वैकेंट है, ठीक है, तो चॉइस फिलिंग भरनी पड़ेगी आपको। तो रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, दो चीज़ें जैसे आपके पहले किया था, तो वो चीज़ अब भी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी उन विद्यार्थियों को जिनको सीट नहीं मिली है, वो लोग यहाँ पर पुनः वही प्रोसेस करेंगे जो जैसा कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड में किए थे हम लोग। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर वो विद्यार्थी बिल्कुल नहीं इसमें बैठ पाएंगे जिनको सीट ऑलरेडी मिल चुकी है, जो लोग पैसा देकर फीस सीट को एक्सेप्ट किए हैं और सीट ले चुके हैं। ठीक है, ये कहानी थी मॉपअप राउंड के बारे में। ठीक, अब यहाँ पर बात यह है, जैसे अगर सीट मान लीजिए बहुत कम बचती है किसी कॉलेज में, 2 सीट है 3 सीट है 5 सीट है, तो अगर आप चाहते हो वहाँ पर लेना, तो मेरे समझ में यह है कि ख्याल में यह है कि जैसे उस सीट को लेना होगा तो आपको उस कॉलेज में जाना होगा, उस कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट लेकर के या फिर अपना जो रिजल्ट है वो लेकर के, हमें सीट ये क्या मिल सकती है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं कॉलेज में, रजिस्ट्रार हैं, प्रिंसिपल हैं, वहाँ के जो भी हेड हैं उनसे जा करके, तो वो सीट आपको मिल सकती है। ऐसा आजकल ट्रेंड है हमारे इंडिया में जो है, शिक्षा को लेने का, बेचने का, जैसे आप समझना चाहें उस तरीके, जैसे कि ICER में होता है। अब ICER टॉप यूनिवर्सिटी कई ऐसी हैं जहाँ पर 2 सीट 5 सीट खाली है, वो सीट फिल हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है कि क्या हुआ, वो पैसा दे के हुआ कि पैसा लेके हुआ, क्या है उसके बारे में हम लोग जो नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन सीट बेचने का ये एक तरीका भी है। ठीक है, क्योंकि 5-5 सीट अगर देखेंगे और वो लोग भरना चाहें तो वहाँ पर कई स्टूडेंट्स वहाँ पर सीट को ले सकते हैं, बट वो ऐसा नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, ये उनका जो है सवाल है। तो यहाँ पर ये होगी मॉपअप राउंड के बारे में कहानी। ठीक है, तो आपके अगर सीट लगता है, सीट कहीं वैकेंट है, तो आपको वहाँ पर जाके बात कर लीजिएगा किसी भी तरीके से, अगर आपको सीट लेना है तो, नहीं तो आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई सीट उसको ले ही लेगा। ठीक है, तो अगर मॉपअप राउंड होता है तो वो सबके लिए एलिजिबल चीज़ें होगी, जैसा कि अभी तक होता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करें, कई विद्यार्थी ये बात करते हैं सर हमारा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ है,
ठीक है, तो हमको क्या प्राइवेट लेना चाहिए। तो प्राइवेट की कहानी ये है कि प्राइवेट अगर आप कहीं भी लेते हैं, तो मैं आपसे बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ ICER के लिए, अगर आप प्राइवेट कहीं से बीएससी करते हैं तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जॉब के लिए, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, AF हो, बैंकिंग हो, कुछ भी हो, सभी वहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। बट एक यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि आप MSc केवल ICER थ्रू नहीं कर सकते हैं अगर आप प्राइवेट्स करते हैं तो। बाद बाकी कोई भी बाउंडेशन नहीं है, किसी भी जॉब में आप कर सकते हैं, आप BHUS MSc कर सकते हैं, आप अपना स्टेट में MSc कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब से कर सकते हैं, इसके बाद आप फिर बाद में ICER में जा सकते हैं PhD के लिए, ठीक है। तो ये छोटा सा नोटिस था आप सभी के लिए, जब भी सीट वैकेंट का मैट्रिक्स यहाँ पर जो नोटिस आएगा तो आपको यहाँ पर अपडेट किया जाएगा और सारी प्रोसेस आपको बताया जाएंगे किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। और जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ है उनके लिए हम प्रॉपर वीडियो लाएंगे, अब उनके लिए आगे प्रोसेस कैसे होंगे क्या है, ठीक है। तो आज के यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।